नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। स्वच्छ परियोजना की भर्ती प्रक्रिया पर उठे विवाद ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। 11 पूर्व कार्मिकों को हटाकर बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदारों को नौकरी पर रखने की खबर ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में प्लेसमेंट एजेंसी की भूमिका और चयन प्रक्रिया पर प्रश्न उठ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डूंगरपुर में स्वच्छ परियोजना के 14 पदों पर भर्ती की गई, जिसमें प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदारों को नियुक्त किया गया। इसमें बीजेपी जिला अध्यक्ष हरीश पाटीदार की पत्नी गायत्री पाटीदार, बीजेपी प्रत्याशी बंशीलाल कटारा के नजदीकी सहयोगी सुखलाल पटेल को चीफ कोऑर्डिनेटर, उपसभापति सुदर्शन जैन की पत्नी जया जैन को कोऑर्डिनेटर और पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा के भाई हेमेंद्र कटारा को भी कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर नियुक्त किया गया। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। यह टीएडी विभाग आदिवासियों के कल्याण के लिए बना हुआ है, लेकिन भाजपा ने वर्तमान में भाजपा का कल्याण, टीएडी विभाग का नाम एक तरह का चेंज कर दिया है, भाजपा कल्याण विभाग बना दिया गया है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और साथ ही हम कहना चाहेंगे कि ये जो जिस तरह से घिनौनी हरकत है, प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा जो बिना विज्ञप्ति, बिना कुछ नियम कायदे सारे ताक में रख के भाजपा ने अपने हिसाब से जो किया गया है, उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और एक स्वच्छ परियोजना को भ्रष्ट परियोजना के रूप में भाजपा के लोगों ने, और मंत्री जो वर्तमान में है, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आपके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, जो एक खुला चोर, खुला भ्रष्टाचार हो रहा है और आप मौन बैठे हुए हो। आपको इधर इधर राजनीति की पड़ी हुई है, आपको उस पद पे रहने का कोई औचित्य नहीं, आपको इस्तीफा देना चाहिए। आपके डिपार्टमेंट में इतनी गंदी राजनीति होने के बावजूद आप अगर पद पे बैठे रहते हो तो कोई मतलब नहीं है। और बहुत जल्दी टीएडी विभाग और ये प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा पूरे आदिवासी इलाके के अंदर।